का फ्रंट लुक देखो, कुछ देख सकते हो, एकदम प्रॉपर कंडीशन है, इतनी बढ़िया कंडीशन में अवेलेबल है, वन टच कंडीशन है यहाँ पे। आप सिर्फ 12,000 किलोमीटर चली हुई तो आप आ सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो किया आई हुई है सोनेट, जो इनके पास स्पेशल कार्स आई हुई है और काफी बढ़िया कंडीशन में है। वैसे इसके अलावा इनके पास काफी ज्यादा गाड़ियां हैं, ये जो नीचे आप स्क्रीन पे नंबर देख रहे हो यहाँ पे आप इनको कॉन्टेक्ट करके और भी गाड़ियां देख सकते हो, और इस नंबर पे आप मैसेज करके इनसे जो भी गाड़ी की डिटेल है मंगवा सकते हो। Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. रामेश्वर ऑटो कंसल्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो काफी ज्यादा गाड़ियां पड़ी है। इनके ओनर से बात करते हैं। सर कैसे हो? एकदम बढ़िया बढ़िया। सर आज हम इस वीडियो में कौन सी गाड़ियां दिखाने वाले हैं? सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा, आपने पास जो गाड़ियां हैं उस पर लोन अवेलेबल है? यहाँ पे लोन भी अवेलेबल है, फिर अगर लोन नहीं होती है तो टर्म्स भी दी जाती है कि उस टाइम में आप कस्टमर पेमेंट पे कर सकता है। अच्छा, और दूसरा हमारे पास अर्टिगा, ब्रेजा, BMW, सोनेट, इको स्पोर्ट्स, होंडा सिटी, CR, एवरी कार यहाँ पे मिल जाएगी आपको। किसी के पास अपनी खुद की गाड़ी है जिसको यहाँ पे सेल करनी है? हाँ, बायबैक कर देंगे, बायबैक कर देंगे, उनका बायबैक कर देंगे और मार्केट से भी बेस्ट प्राइस उनको देंगे। हमारी गाड़ी का जितना भी हो सकेगा उतना नेगोशिएशन करके उनको भी बेस्ट प्राइस करके देंगे। ओके, जो जितने भी हम इस वीडियो में प्राइस बताने वाले हैं उसके बाद भी नेगोशिएट? बिल्कुल 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 बिल्कुल, और फाइनेंस भी अवेलेबल है तो उसमें फाइनेंस भी करके देंगे। अभी मैं आपको कुछ कलेक्शन दिखाने वाला हूँ गाइस। फुल डिटेल अगर आपको कोई भी गाड़ी की चाहिए तो ये जो नीचे नंबर देख रहे हो इस पे कांटेक्ट कीजिए, आपको हर गाड़ी की फुल डिटेल मिल जाएगी। हुंडई क्रेटा दिखा रहा हूँ आपको, 2018 का मॉडल है, काफ़ी बढ़िया और टॉप कंडीशन अवेलेबल है। जैसे कि मेरे हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, गुड, सुपर गुड और एकदम सुपर गुड, ये आप सुपर गुड बोल सकते हो, काफ़ी बढ़िया कंडीशन। गाड़ी की पूरी डिटेल लेंगे अंदर जाके, अंदर भैया बैठे हुए हैं, लेकिन मैं आपको इसका फ्रंट का जो आगे का लुक है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो गाइस, वन टच कंडीशन में अवेलेबल है। यहाँ से आप देख सकते हो गाड़ी की कंडीशन, देखो नीट एंड क्लीन कंडीशन। इस गाड़ी की डिटेल दीजिए सर। हाँ, ये हुंडई की क्रेटा कार है, 2018 का मॉडल आएगी और ये EX वर्जन है, डीजल में। ओके, डीजल में ये 2018 का मॉडल आएगा, वन ओनर कार आएगी, फर्स्ट ओनर कार आएगी। वो जेन्यून 58,000 चली हुई की आएगी, वो भी आप देख सकते हो। अच्छा, जेन्यून किलोमीटर गाइस, यहाँ पे देख सकते हो 58,000 जेन्यून किलोमीटर चली हुई है। मैं आपको बता दूं गाइस, इस वीडियो के लिए नहीं बता रहा हूँ, इस गाड़ी में प्रॉपर मतलब आप देख सकते हो जैसे आपने कोई कंपनी से कार ली वैसा ही है, कोई भी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया हुआ है जैसे कि सर ने बताया। सर इस गाड़ी की जो प्राइस है वो क्या मांग रहे हो आप? ये 9,50,000 रुपये कीमत रखी है उसकी, 9,50,000। एंड इसके बाद अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है तो प्राइस में छोटा मोटा हो जाता है सर? हाँ, वो तो कर देंगे, प्राइस में हो जाएगा। इस गाड़ी पे लोन वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह? लोन भी हो जाएगी, इंश्योरेंस सभी चालू है, तो कस्टमर को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया क्रेटा 2018 सिर्फ 58,000 किलोमीटर चली हुई, फर्स्ट ओनर और काफ़ी बढ़िया कंडीशन। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका साइड लुक देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया कंडीशन में अवेलेबल है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये गाड़ी अवेलेबल है रामेश्वर ऑटो कंसल्ट, इनकी पूरी डिटेल मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, चेक कर लेना। और ये गाड़ी देखनी हो तो आप यहाँ पर विजिट भी कर सकते हो, और अगर किसी को भी लेनी हो तो ये वीडियो आगे शेयर करना भाई, क्रेटा लवर को ये गाड़ी शेयर कर देना। किया की सोनेट जैसे कि आप सबको पता है ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कार है, 2021 का इनके पास मॉडल अवेलेबल है। तो गाइस साइड का लुक देखो गाड़ी का, साइड का लुक एकदम काफ़ी कंडीशन में अवेलेबल है, यहाँ पे देख सकते हो। अभी मैं आपको थोड़ा फ्रंट लुक दिखाता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हो गाइस वन टच कंडीशन में। वैसे मैंने आपको जैसे बताया कि इनके पास जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना टोटली वन टच कंडीशन में अवेलेबल है। फिलहाल मैं आपको किया के बारे में बताता हूँ भाई, ये किया सोनेट यार काफ़ी ज़्यादा वायरल है और काफ़ी ज़्यादा डिमांड में ये कार चलती है, वो भी वाइट कलर अवेलेबल है। तो हार्दिक भाई गाड़ी के अंदर चलते हैं और अंदर मेरे को आपको डिटेल बताओ गाड़ी के बारे में। देख सकते हो कंडीशन देखो यार, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया एकदम न्यू कंडीशन है भाई, कंडीशन तो बोलो ही मत, ये न्यू ही है, ऐसा समझो कि न्यू ही गाड़ी है। बस खाली आपके मन में ऐसा रहेगा कि हमने सेकंड हैंड खरीदी है, बट ये पूरा का पूरा देख सकते हो वन टच कंडीशन अवेलेबल है। तो हार्दिक भाई ये गाड़ी
कितना चली हुई है और थोड़ा डिटेल दो। ये किया की सोनेट कार है, 2021 का है, अभी मार्केट में बहुत सारी अच्छी चल रही है, ये डीजल में अवेलेबल है और ये 79,000 किलोमीटर चली हुई है। ओनली 79,000 किलोमीटर, वो भी गारंटेड रहेगा, फुल्ली गारंटेड रहेगा। ओके, जेन्युइन 79,000 किलोमीटर चली हुई है। एंड ये गाड़ी का डिमांड क्या कर रहे हो सर? ये डिमांड है अभी उसका 950,000 रुपया मांग रहे हैं अभी। 950,000 एंड थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा सर? पीछे हो जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा। और पूरी गाड़ी फुल ओरिजिनल आएगी, उसमें सेट भी कोई भी पीस डेंटिंग पेंटिंग किया नहीं है और कोई एक्सीडेंट नहीं आएगी उसकी, फुल। और ये पेट्रोल है डीजल है सर? ये डीजल में आएगी, डीजल में। और जैसे कि आपने बताया फर्स्ट ओनर है, फर्स्ट ओनर कार है। और इंश्योरेंस वगैरह? इंश्योरेंस भी अभी रनिंग है, रनिंग इंश्योरेंस है। गाइस जैसे कि मैंने आपको इस गाड़ी की डिटेल दी और गाइस कंप्लीट लिखा हुआ है 79,000 किलोमीटर चली हुई है, बाकी छोटा मोटा 100-200 किलोमीटर हो जाता है बिकॉज गाड़ी टेस्ट ड्राइव वगैरह देते हैं। बाकी गाड़ी की कंडीशन देखो काफ़ी बढ़िया है, मैं आपको पीछे से दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस एकदम वन टच, जैसे कि बताया बाहर से कोई भी गाड़ी में कुछ भी किया नहीं है, पूरा कंप्लीट एडिशन है, जैसे कि आपने कुछ न्यू ही कार ली है, यहाँ पे देख सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया ये गाड़ी अवेलेबल है रामेश्वर ऑटो कंसल्ट में, यहाँ पे देख सकते हो गाड़ी कंडीशन देखो यार काफ़ी बढ़िया कंडीशन है। जैसे कि मैंने आपको बताया 950,000 इसका प्राइस रखा हुआ है, बट अगर आप इनको कॉल करते हैं यहाँ पे आते हैं तो प्राइस में थोड़ा छोटा मोटा हो जाएगा। और इस गाड़ी के ऊपर लोन भी अवेलेबल है, एकदम न्यू गाड़ी है। इसका जो स्पेयर व्हील है वो भी अभी तक यूज़ ही नहीं हुआ, मतलब अंदर से निकाला ही नहीं है बाहर, यहाँ पे देख सकते हो गाइस अभी एक भी बार यूज नहीं हुआ है स्पेयर व्हील उसका, पूरा मतलब नया ही है, यहाँ पे देख सकते हो गाइस चेक स्पेयर व्हील, वो भी एक भी बार यूज नहीं हुआ है, पूरी किट ऐसे ही अवेलेबल, ऐसे के ऐसी ये गाड़ी अवेलेबल है। तो ये गाड़ी टोटल मतलब 2021 का कौन से महीने का मॉडल है? आठवें महीने का मॉडल है, आठवें महीने का मॉडल है, मतलब टेक्निकली 2022 ही हो गया। हाँ हो गया, सही बात है यार। गाड़ी की कंडीशन देखो गाइस काफ़ी बढ़िया कंडीशन है भाई। ये गाड़ी जिसको भी लेनी हो, ये जो स्क्रीन पे नंबर देख रहे हो इस पे कॉन्टेक्ट करो और ये गाड़ी की डिटेल मिल जाएगी। और अगर ये गाड़ी आपको लाइव देखनी है तो आप आ सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया रामेश्वर ऑटो कंसल्ट में। बाकी भाई इसके अलावा भी इनके पास और भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ देखने को मिल जाएगी। मैंने आपको काफ़ी सारी गाड़ियाँ दिखाई है, मेरे चैनल में आपको काफ़ी सारे वीडियो मिल जाएंगे, बट यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ हैं कम से कम पुरानी गाड़ियाँ हैं। जैसे कि मेरे पीछे आप देख सकते हो अर्टिगा, मारुति सुजुकी अर्टिगा सिर्फ 8 महीने पुरानी है। तो इस गाड़ी की डिटेल देता हूँ आपको, यहाँ पे देख सकते हो गाइस गाड़ी की कंडीशन देखो, इसका फ्रंट लुक देखो कुछ देख सकते हो, एकदम प्रॉपर कंडीशन है, मतलब न्यू ही है ऐसा समझो। इस गाड़ी का बैकग्राउंड लुक देखो यार काफ़ी बढ़िया कंडीशन में अवेलेबल है। गाड़ी का साइड लुक देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, कहाँ पे देख सकते हो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया जितनी भी मैंने आपको गाड़ी दिखाई सारी की सारी वन टच है, यहाँ पे देख सकते हो पूरा प्रॉपर वन टच कंडीशन है। कोई भी गाड़ी में छोटा मोटा भी स्क्रैच आपको नहीं मिलेगा। बताया 2022 की अर्टिगा काफ़ी बढ़िया कंडीशन है, मेरे पीछे देख सकते हो कंडीशन देखो गाड़ी की। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एंड्रॉइड का सिस्टम, जैसे कि फुली लोडेड कार है। ये एकदम नई गाड़ी है, वो 2022 का 8वां महीना है, 8 महीना पुरानी कार है और ये पेट्रोल मॉडल है 2022 का। तो ये फुल्ली टॉप मॉडल है, ZXi प्लस में आ जाएगी, फुल्ली टॉप मॉडल, फुल्ली टॉप मॉडल है। तो उसमें सब फंक्शन आ जाएंगे, मैक व्हील आ जाएगी, ऑटोमेटिक मिरर आ जाएंगे और स्मार्ट हाइब्रिड मॉडल आएगा। ओके, स्मार्ट हाइब्रिड आएगा तो उसमें एवरेज भी काफी बहुत अच्छा देगा। सही बात है। हाँ। और ये गाड़ी कितना चली हुई है सर? ये गाड़ी ओनली फॉर 12,000 किलोमीटर चली है। क्या बात कर रहे हो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो प्रॉपर जेन्युइन 12,000 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है और ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 8 महीने पुरानी है। बाकी 8 महीने पुरानी मतलब कंपनी की वारंटी भी अवेलेबल होगी इसमें, कंपनी की वारंटी भी अवेलेबल है और दो कंपनी की सर्विस भी मिल जाएगी आपको, दो कंपनी की सर्विस भी मिल जाएगी, मतलब ऐसा समझो कि ये गाड़ी एकदम न्यू है, एकदम न्यू गाड़ी है। क्या बात है यार, गाड़ी की कंडीशन देखो एकदम, जैसे कि मैंने आपको बताया टॉप कंडीशन का मॉडल है। कौन सा मॉडल बोला सर आपने? ये 2022 का ZXi मॉडल है, ZXi मॉडल। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको इस गाड़ी की डिटेल बताई, अगर आपको इस गाड़ी के बारे में फुल डिटेल जाननी हो तो इसका ऑफिशियल वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप इस गाड़ी का ऑफिशियल वीडियो देख सकते हो ये कौन सा मॉडल है। बाकी अगर आपको ये गाड़ी सेकंड में परचेस करनी है, अच्छी कंडीशन में परचेस करनी है, एकदम अच्छी एकदम न्यू गाड़ी लेनी है सिर्फ 12,000 किलोमीटर चली हुई, तो आप आ सकते हो रामेश्वर मोटर्स अहमदाबाद। पीछे आप नंबर्स देख रहे हो, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके इनसे इस गाड़ी की डिटेल भी ले सकते हो। और अगर आप अहमदाबाद में रहते हो तो ये गाड़ी लाइव देखने आ सकते हो यहाँ पे, यहाँ का एड्रेस पूरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से मैप भी आपको मिल जाएगा। और रामेश्वर ऑटो अहमदाबाद में काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है, जैसे कि आप यहाँ पे आएंगे तो इसके अलावा और भी गाड़ियाँ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और अगर आपको अपनी गाड़ी कोई सेल करनी है तो भी आपको अच्छे से अच्छी प्राइस यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो फोर्ड का इको स्पोर्ट का काफ़ी बढ़िया कंडीशन में इनके पास अवेलेबल है मॉडल, यहाँ पे आप देख सकते हो 2018 की है और काफ़ी बढ़िया कंडीशन में है। यहाँ पे आप गाड़ी का साइड लुक देख सकते हो, गाड़ी का बैक लुक देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया कंडीशन में अवेलेबल है। आप देख सकते हो गाड़ी की कंडीशन देखो भाई, इको स्पोर्ट जिसको भी चाहिए
भाई इसकी आपको मैं डिटेल दे रहा हूँ अंदर जाके, यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी बढ़िया कंडीशन में अवेलेबल है। जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, हम लोग इस वीडियो में उतनी गाड़ियाँ दिखा रहे हैं जितनी इस वीडियो में आ सकती हो, बाकी इनके पास काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ अवेलेबल है। तो इस गाड़ी के बारे में थोड़ा डिटेल दीजिए हार्दिक भाई। हाँ, ये फोर्ड कंपनी की इको स्पोर्ट गाड़ी है, ये डीजल में है और 2018 का मॉडल आ जाएगा, वो भी वन ओनर कार है, हमारे पास सब वन ओनर ही कार रहती है। Okay. और ये चली हुई है 65,000, वो भी आप देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो गाइस 65,000 किलोमीटर जेन्युइन चली हुई है, जैसे कि मैंने आपको बताया फर्स्ट ओनर। और मैं आपको बताता हूँ, हार्दिक भाई ने जैसे बताया कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ओनर ही रहती है, फर्स्ट ओनर ही कार रहती है। अच्छा, अगर कोई सेकंड ओनर वाला आ जाए तो? सेकंड ओनर वाला आ जाए तो एकदम अच्छी कंडीशन हो और अपने पास एक्सचेंज में करानी है तो अपने ले लेते हैं, से ऑन रोड कस्टमर की कार नहीं लेते हैं। ओके, तो भाई ऐसी सब डिटेल आपको अगर चाहिए तो आप इनसे कॉन्टेक्ट करके भी ले सकते हो। फिलहाल मैं आपको इस गाड़ी की डिटेल बताता हूँ, तो इस गाड़ी की एक बार से डिटेल बताइए। ये गाड़ी फोर्ड इको स्पोर्ट है और 2018 का मॉडल है, ये भी वन ओनर कार आएगी। हाँ। और ये 65,000 किलोमीटर चली हुई है, उसका भी इंश्योरेंस अभी रनिंग है। और ये कौन सा मॉडल है? वो 2018 का टाइटेनियम मॉडल है। टाइटेनियम मतलब टॉप आता है? ये टॉप आता है, एकदम टॉप, एकदम टॉप आता है। ओके। इसमें मैकविल एयरबैग, कंपनी टच पैड सब मिल जाएगा, सब कंप्लीट अवेलेबल है उसमें, सब स्टीयरिंग कंट्रोल का। और यहाँ पे देख सकते हो गाइस, स्टीयरिंग कंट्रोल में भी काफी ज्यादा, मतलब ये जैसे कि आप सबको पता है टाइटेनियम, मतलब जिसको भी अगर इस गाड़ी की डिटेल आपको चाहिए तो ऑफिशियल वीडियो यूट्यूब पे मिल जाते हैं, बट हम लोग सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि ये गाड़ी इनके पास अवेलेबल है, अच्छी प्राइस में अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे की कंडीशन, देखो गाइस काफी बढ़िया कंडीशन, एकदम स्वीट कंडीशन है, जिसको आप बोलते हैं गुड कंडीशन। अच्छा, इस गाड़ी की क्या प्राइस मांग रहे हो? इस गाड़ी की कीमत अभी 8,25,000 बोल रहे हैं, 8,25,000। एंड इसके बाद जैसे कि मैंने आपको पूछा, अगर कोई आता तो नेगोशिएट हो जाएगा? हो जाएगा। ओके, तो इस गाड़ी पे लोन वगैरह अवेलेबल है? लोन भी हो जाएगा। एंड इंश्योरेंस वगैरह? इंश्योरेंस अभी चालू है उसका भी, इसका इंश्योरेंस रनिंग है। फोर्ड इको स्पोर्ट 2018 65,000 किलोमीटर चली हुई और 8,25,000 की गाड़ी है, काफी बढ़िया कंडीशन में अवेलेबल है। अगर ये गाड़ी आपको देखनी हो तो आप आ सकते हैं ऑटो कंसल्ट में, जो की अहमदाबाद में है, जैसे की मैं हर वीडियो में बताता हूँ, इनकी पूरी डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। भाई देखो, जेन्युइन अगर आपको गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो उन लोगों को शेयर करना जिनको सेकंड हैंड गाड़ी चाहिए बट अच्छी चाहिए, अच्छे डीलर से चाहिए, तब ये वीडियो उनको को शेयर कर सकते हो। बाकी देखो, इनको डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि यार देखो सबके पास बहुत सारे काम होते हैं, आप ऐसे ही फ़ोन करोगे भाई ये गाड़ी के बारे में तो मत करना। अगर जेन्युइन आपको गाड़ी लेनी हो तो ही इनको आप कॉन्टेक्ट करना, ये आपको हर गाड़ी की हर डिटेल दे देंगे। जितनी इस वीडियो में आपको मैं गाड़ियाँ दिखा रहा हूँ उसके अलावा इनके पास और भी बहुत सारी गाड़ियाँ अवेलेबल है, जैसे कि मैंने आपको बताया। जैसे कि हम लोग ऐसे ब्लॉग क्रिएट करते हैं तो कोई ना कोई डिलीवरी होती है, तो अभी इस i20 की डिलीवरी है एंड ये सर ने लिया। सर आपका नाम क्या है? आशीष रावल। आशीष भाई, तो भाई सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि आपने इससे पहले कोई और शॉप पे गए थे आप? बहुत शॉप पे हमने देखा था, मगर यहाँ जो सर्विस मिलती है, इन लोगों का जो स्वभाव है बहुत बढ़िया है, अच्छी मनपसंद गाड़ी मेरे को मिल गई। अच्छा, मेरा जो बजट था उसमें मेरे को गाड़ी मिली। बजट आपने को दिया i20 ली ना? ये कौन सा मॉडल है? ये 2012 का मॉडल है। 2012 का मॉडल है, कितने में लिया सर आपने? 3,50,000। 3,50,000? 3,50,000 में लिया। क्या दे सकते हो गाइस, अभी डिलीवरी है एक्चुअली इनकी, तो मैं ज़्यादा तो नहीं दिखाऊंगा, बट बस आपको ये बता रहा हूँ कि इनके पास आपको अच्छी से अच्छी गाड़ियाँ और अच्छी प्राइस में मिल जाएगी। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन सर आपको, एंड आपको भी सर। मैंने आपको क्रेटा दिखाई, अर्टिगा दिखाई, काफ़ी बढ़िया कंडीशन में अवेलेबल है इनके पास, एंड सोनेट आपको दिखाई, काफ़ी बढ़िया कंडीशन में अवेलेबल है, और बहुत सारी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ i20 भी बढ़िया, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, बहुत ही बढ़िया कंडीशन में अवेलेबल है, वन टच कंडीशन है। यहाँ पे आप साइड लुक देख सकते हो। ये गाड़ी कौन सा मॉडल है? ये i20 है, हुंडई की, 2020 का। i20 2020 का मॉडल है? 2020 का। क्या बात है गाइस, 2020 का यार मॉडल जो था ना वो काफ़ी ज़्यादा वायरल था। ये इलाइट मॉडल अभी सबसे ज़्यादा चल रही है। क्या बात है गाइस, इलाइट मॉडल है, जैसे कि मैंने आपको बताया i20, और ये मॉडल था ना भाई, ये मॉडल की वेटिंग चलती थी जिस टाइम पे ये मॉडल अवेलेबल था। तो गाड़ी के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी कंडीशन दिखाता हूँ, उससे पहले मैं आपको फ्रंट लुक दिखाता हूँ गाड़ी का। यहाँ पे आप देख सकते हो गाड़ी का फ्रंट लुक, यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टॉप मॉडल, ये टॉप मॉडल है ना सर? नहीं, ये मेगना ऑप्शनल मॉडल आ जाएगा। मेगना ऑप्शनल, हाँ, तो उसमें भी मतलब एयरबैग है, स्टीयरिंग कंट्रोल है, वो सब। अच्छा, ये मेगना में भी स्टीयरिंग कंट्रोल वगैरह आ जाते हैं? स्टीयरिंग कंट्रोल है और एयरबैग भी आ जाएगा। इन्हें काफी सा अच्छा वो टचस्क्रीन टैप भी डलवाया। अच्छा, ये कंपनी ये बाहर से डलवाया गया है? डलवाया हुआ है, अच्छा वो है, महंगा वाला है, काफी बढ़िया कंडीशन। ये देख सकते हो गाइस, एंड्रॉइड है ना ये भी? एंड्रॉइड टैप है। यही देख सकते हो, पीछे का थोड़ा लुक देख सकते हो, थोड़ी जो जिसकी गाड़ी थी उसने थोड़ी सी सीट चेंज करवाई है, लेकिन काफी बढ़िया कंडीशन में अवेलेबल है। एंड इस गाड़ी का कौन सा मॉडल है और कितनी चली हुई है? हाँ, ये हुंडई की i20 कार है, पेट्रोल में है, 2020 का मॉडल है, मेगना ऑप्शनल में है, और 52,000 गारंटेड चली हुई है। 52,000 किलो
किस से की मैंने आपको बताया ये फर्स्ट ओनर है सर? ये फर्स्ट ओनर कार ये है। और इसका क्या प्राइस मांग रहे हो? उसका अभी 6,70,000 बता रहे हैं, वो भी आगे पीछे कर देगा नेगा से। 6,70,000 थोड़ा प्राइस में छोटा मोटा हो जाएगा। ये 2020 का पांचवा महीना है, 2020 का पांचवा महीना। हाँ, और ये भी गाड़ी मतलब टचिंग बचिंग कुछ नहीं आएगा, पूरी गाड़ी ओरिजिनल आएगा और एक्सीडेंट तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। और इंजन भी एकदम कंपनी कंडीशन में आएगा और हर सर्विस आपको कंपनी सर्विस मिल जाएगा कंपनी डेटा के साथ। और अगर आपको इस वीडियो में डिटेल प्रॉपर समझ में नहीं आई तो ये जो नंबर आप देख रहे हो इस पे कॉन्टेक्ट कीजिए। i20 2020 का i20 का मॉडल है, काफ़ी बढ़िया कंडीशन में अवेलेबल है। मैग्ना जैसे कि मैंने आपको बताया, एंड्रॉयड का सिस्टम बाहर से लगाया हुआ है बट अच्छी क्वालिटी का लगाया हुआ है। 6,70,000 इस गाड़ी की प्राइस है, प्राइस छोटी मोटी ऊपर नीचे हो जाएगी। इस गाड़ी पे लोन अवेलेबल है। गाइस इस ब्लॉग में मैंने आपको काफ़ी बढ़िया बढ़िया कार्स दिखाई और इसके अलावा इनके पास और भी बहुत सारी गाड़ियाँ अवेलेबल है। जैसे कि मैंने आपको बताया रामेश्वर ऑटो कंसल्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ इनके पास अवेलेबल है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया हर गाड़ी पे लोन अवेलेबल है बिल्कुल। और हार्दिक भैया बता रहे थे कि आप सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ओनर की गाड़ियों पे डील करते हो। हाँ, ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट ओनर ही कर रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इनका विजिटिंग कार्ड है। बाकी मैंने आपको जैसे बताया कि एड्रेस पूरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वस्त्राल मेन रोड रिलायंस पेट्रोल पंप के बिल्कुल पास में। मैप के साथ इनका इंस्टाग्राम आईडी पे मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का इनका लिंक पूरा डिस्क्रिप्शन में, सब कुछ अवेलेबल है। अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे हो और अगर आपकी फैमिली में कोई भी सेकंड हैंड गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे हो और अच्छा डीलर आपको नहीं मिल रहा है अहमदाबाद में, तो मैं आपको बताता हूँ मेरी चैनल पर आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसे वीडियोज़ मिल जाएंगे जहाँ पर आपको बेस्ट डीलर्स की मैंने वीडियो बनाई हुई है। उनमें से एक है रामेश्वर ऑटो कंसल्ट, जिनके पास अभी हम थे, जिनका मैंने एक ब्लॉग क्रिएट किया। फाइनली गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा नहीं लगा वो बात अलग है, बट इस वीडियो को लाइक करना, आगे शेयर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट ज़रूर करना, क्योंकि ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो मैं आपके लिए लिख के आता हूँ और हर बार आपको अच्छी डीलर के बारे में बताता हूँ, हर बार आपको अच्छे होलसेल मार्केट के बारे में बताता हूँ। तो मिलता हूँ गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हमारे वीडियो में जय हिंद बोलते हैं, आपको भी बोलना है जय हिंद। जय हिंद। ओके सर।